आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उसको टीवी एलईडी पर किस तरीके से चला सकते हैं। आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चलाइए या फिर आप यूट्यूब चलाइए, वीडियो चलाइए, सॉन्ग चलाइए, उनको किस तरीके से आप टीवी में चला सकते हैं आज मैं आपको आसानी से सिखा दूंगा। और आपने मोबाइल होता है उसको कनेक्ट करना सिखा दूंगा, ठीक है? आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे टीवी में ताकि आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है वो टीवी में चल जाए। तो इसके लिए वीडियो को कोई पार्ट स्किप नहीं करते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब है। यदि आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा जो टीवी है इधर लगा हुआ है, ठीक है? अब इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है मोबाइल स्क्रीन को मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेटअप बॉक्स में लाइट आ चुकी है, ठीक है? अभी मेरी ये बोर्ड है, इस बोर्ड में से मैं सेटअप वाली जो लाइट है यहाँ पर दोनों प्लग लगे हुए हैं, ये सेटअप बॉक्स का तार को हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर टीवी में लाइट आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको ये रिमोट है इससे आपको टीवी को स्टार्ट कर लेना है, इस वाले क्लिक करिए, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पर टीवी को स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई देने वाला है किस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है? अभी टीवी स्टार्ट होने वाला है, ये स्मार्ट टीवी है, ठीक है? आपके पास में भी ऐसी ही एलईडी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं आज मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है? अभी ये स्टार्ट हो रहा है, कनेक्ट करना बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ से देखिए टीवी ओपन होने के बाद में इस तरीके से आपको दिखाई देता है। यदि इस तरीके से आपको दिखाई नहीं देखने देता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये रिमोट उठा लेना और यहाँ पर जो आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, कौन वाला? ये होम वाला ऑप्शन आता है, ये वाला, ठीक है? इसको आप पर क्लिक करके इस तरीके से आप टीवी में ला सकते हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तो रिमोट में डायरेक्ट भी आता है मिरर कास्ट वाला ऑप्शन, या फिर नहीं आता तो आप देखिए यहाँ से आपको रिमोट को इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर ये जो कास्ट वाला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है? ये वाले ऑप्शन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद में ये इस तरीके से वाईफाई का नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है, आपके मोबाइल में भी वाईफाई नेटवर्क स्टार्ट हो जाता होगा, ठीक है? अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इसका जो कोड है एंड्रॉयड 9001 है, ठीक है? अभी ये आपको मैं बताता हूँ। अब चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर किस तरीके से कनेक्ट करके आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर चलना और मोबाइल पर यहाँ पर आपको सेटिंग्स का जो ऐप आता है यहाँ पर मेरे मोबाइल पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों ये मेरे मोबाइल में सेटिंग्स का ऐप है, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है? यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए सर्च सेटिंग, यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, CAST, ये आपको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर सर्च कर देना है, ठीक है? सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये नीचे ऑप्शन भी खुलते हैं। यदि आपके मोबाइल में इस तरीके से सर्च नहीं होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस बैक आ जाना और यहाँ पर देखिए नीचे जो यहाँ पर ऑप्शन आता है एक मोर कनेक्शन का, ये वाला मोर कनेक्शन का ऑप्शन आता है, इस मोर कनेक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए नीचे CAST कास्ट ये लिखा आता है, यहाँ पर कनेक्ट आ चुका है, ठीक है? इस तरीके से आपको आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का जो वाईफाई होता है यहाँ पर मेरे मोबाइल का वाईफाई इस तरीके से, मैं यहाँ से वाईफाई को स्टार्ट कर लेता हूँ। वाईफाई स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए मेरे जो मोबाइल का पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको टीवी का जो कोड दिखाया था मैंने एंड्रॉयड 9001 वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मोबाइल की स्क्रीन है वो टीवी पर स्टार्ट हो जाएगी चलना, ठीक है? तो आप भी आसानी से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।